लोकसभा चोणां दौरान कांग्रेस पार्टी वालों लुधियाना तो उम्मीदवार बनाए गए पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग टिकट मिलण दे 3 दिन बाद लुधियाना पहुंच गए हैं। उन्होंने समराला चौक तो रोड शो शुरू किया है। इस दौरान राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग उन्होंने मौजूद हैं। ये रोड शो समराला तो शुरू होके बाबा थान सिंह चौक सीएमसी चौक जगराओं पुल तो हुंदा होया पूरे फिरोजपुर रोड नू कवर करके जगराओं च जाके खत्म होवेगा। रोड शो की शुरुआत दौरान राजा वड़िंग नाल सुरिंदर डाबर ते संजय तलवार मौजूद हैं, पर पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान ते साबका मंत्री भारत भूषण रोड शो की शुरुआत दौरान नजर नहीं आए, जिसनू भारत भूषण आशु की टिकट ना मिलने लैके चल रही नाराजगी नाल जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि हाईकमान वालों भारत भूषण आशु नू शांत करने की कोशिश की गई है। राजा वड़िंग भी देर रात उन्होंने घर जाके उन्होंने मनाने की कोशिश कर चुके हैं। इस तो पहला भारत भूषण आशु दे समर्थकां वल्लों सोशल मीडिया ते पोस्टां पाईयां गईयां सन कि बाहरी नू नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम। हुण देखना यह होवेगा कि भारत भूषण आशु राजा वड़िंग नाल चलदे हन जां नहीं। इस मामले संबंधी आशु दी पत्नी ममता आशु दा कहना है कि असी हलका वैस्ट दे भारत नगर चौक ते राजा वड़िंग दे रोड शो दा स्वागत करांगे। देश के नाम तो बहुत भाग ना हुए
मैं कुछ यहाँ पर देखनी बहुत चाहिए थी आईपीएल इंडिया एक पर्सन बदेरा के अंदर एक वफादारी का सिपाही राजा बेरा के लिए आर्मी तक पीते आया लास्ट एंड एंड का मतलब आईपीएल के हरियाणा के लोगों का विकास मेरा सपना है कि हरियाणा जिन्हें मैनचेस्टर हरियाणा हिंदुस्तान की राजधानी हो गए लोकैन की हिंदुस्तान का मैनचेस्टर हरियाणा इतों की इंडस्ट्री की गल करना से आए हैं इतों के इतों के वातावरण बुढ़े नाले अगले पोल्यूशन का हल करने वास्ते आए हैं इतों के लेबर क्लास मजदूर कामले जिन्होंने विकास किया चाहे वह बाहरों आए चाहे इतने आए लेकिन उन्होंने हरियाणे के विकास के अंदर तरक्की के अंदर बड़ा योगदान पाया उन्होंने जीवन उच्चा चक्कर वास्ते उन्होंने समय चौपराना करा गया इतों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिमें टीएमसी सीएमसी अपोलो है मैं लगता लुधियाने में पीजीआई के एम्स होना चाहिए इतों के एजुकेशन में नहीं एजुकेशन का म्यार उच्चा चुकने वास्ते और एक ब्लू प्रिंट तैयार करके हरियाणा की लड़ाई करने से राजा ब्रिंग आया लो ये 2020 मुकाबला आदरणीय सरकार योग बने प्रहा बिट्टू जी मैं आ गया राजा ब्रिंग किसी ने लिखे हो जिसके पाँव में ताकत हो जिसके पाँव में ताकत वो चलते रहता है जमाना लाख किराए वो संभल के रहता है वो जिस चिराग में ताकत उजाला करने की दुनिया लाख बुझाए वो चल के रहता है वो चल के रहता है ये वफादारी से किराने की लड़ाई है तो मैं सच बोले हरियाणा के लोगों और बेनती कर रहे हैं कि अगले तीन दिन तुम इस लड़ाई में आगे इस पुत्र का साथ दे रहे हैं आगे इस भरा का साथ दे रहे हैं और राजा ब्रिंग कितों पैदा होया राजा ब्रिंग वफादारी का नाम है रात को 3 बजे सदोगे मैं बिट्टू वांगू टेलीफोन नहीं चकना जिमें जो नहीं चलता राजा ब्रिंग रात को 3 बजे भी आपके वर्कर के नाल चटान दे ना हिलना यार यार हिलना तू हिलना मस्त आ गया के मैं तो हिल लेना हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है कि एक तो व्यक्ति का कैरेक्टर तय होना चाहिए राजनीति जीवन तय होना चाहिए एक देश 1947 को कहीं आजाद हो जाता ये देश के अंदर धोखेबाज दलाल ना होने का 1947 को कहीं देश आजाद हो जाना चाहिए ये देश के बिलाल ना होंगे तो भगत सिंह की शहादत इनकी लौट भी पड़ी थी करतार सिंह सराबे की शहादत नहीं मेरी पड़ी थी देश सलाम से तो खैर भाग ना होंगे तो फिर नारा नारा के पुतराए की शहादत देने की लौट भी पड़ी थी आईपीएल इंडिया और पर्सन बदेरा कैरेक्टर एक वफादारी का सिपाही राजा बड़ी आगे चले आने दी तक पीते आया लास्ट एंड का मतलब आईपीएल के हरियाणा के लोगों का विकास मेरा सपना है कि हरियाणा जिमें मैनचेस्टर हरियाणा हिंदुस्तान की राजधानी होए
ਜਲੋਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।